हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर्स। दोस्तों, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी सेलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारी रेगुलर अपडेट्स और हमारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएं। यदि आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। चलिए आज की न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने 8 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में 86वां वायुसेना दिवस मनाया। यह 86वां वायुसेना दिवस था भारतीय वायुसेना का, जो हर वर्ष 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। एयर शो के दौरान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर लगातार तीसरे साल परेड देखने के लिए पहुँचे। वायुसेना ने उन्हें ग्रुप कैप्टन की रैंक दी है। लड़ाकू विमानों के एयर शो में MiG-29, जगुआर, मिराज और सुकोई समेत कई एयरक्राफ्ट शामिल किए गए थे। सूर्य किरण और सारंग टीम ने भी प्रदर्शन किया। उड़ीसा राज्य द्वारा निर्माण कुसुम कार्यक्रम लॉन्च किया गया। यह एक योजना है। इस योजना के द्वारा निर्माण क्षेत्र में कार्यरत लोगों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 1.09 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी सरकार द्वारा। ITI के जो छात्र हैं उन्हें 23,600 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता तथा डिप्लोमा के जो छात्र हैं उन्हें 26,300 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उड़ीसा के वर्तमान प्रधान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं एंड राजधानी भुवनेश्वर है। भारत और जापान के बीच समुद्री युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसका नाम है JIMEX-18 का आरंभ विशाखापट्टनम शहर में हुआ है। समुद्री युद्ध अभ्यास का आयोजन 7 से 15 अक्टूबर के बीच किया जा रहा है। इसमें 4 दिन बंदरगाह चरण, 4 दिन समुद्री चरण में अभ्यास किया जाएगा। बंदरगाह चरण में पोत के क्रू के साथ योजना निर्माण, विचार विमर्श तथा खेल गतिविधियां शामिल हैं, जबकि समुद्री चरण में पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभ्यास, गन फायरिंग, VBBS ड्रिल, विजिट बोर्ड, सर्च एंड सीजर तथा क्रॉस चेक हेलो ऑपरेशन इत्यादि शामिल किए गए हैं। आर एन रवि को उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। पुनर्गठित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष भूरेलाल को निर्धारित किया गया है। अर्थशास्त्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम नॉर्डहाउस पॉल रोमर, अमेरिकी अर्थशास्त्री को दिया गया है। एक प्रसिद्ध हस्ती का इस महीने निधन हुआ है, जिनका निधन 7 अक्टूबर को 2018 को हुआ है। नागालैंड के गांधी कहलाते थे, नटवर ठक्कर जी का निधन 7 अक्टूबर को हुआ है। इन्होंने मोको कचुंग जिले के चूचू यिमलांग गांव में नागालैंड गांधी आश्रम की स्थापना की थी। इसके साथ साथ इन्होंने गांव में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की थी। समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए 1999 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे मूल रूप से महाराष्ट्र के निवासी थे, परंतु सामाजिक कार्य के लिए वे 23 वर्ष की आयु में 1955 में नागालैंड चले गए थे। सशक्त किसान योजना तथा कृषि समूह योजना लॉन्च की गई है अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। सशक्त किसान योजना में राज्य की 3 योजनाओं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री कृषि मैकेनाइजेशन प्रोग्राम तथा चाय व रबड़ के लिए मुख्यमंत्री फ्लैगशिप कार्यक्रम को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि करना है। हरियाणा सरकार द्वारा आतंकवाद निरोधक बल कवच की घोषणा की गई है। यह कवच जवानों का बल होगा, 150 जवान होंगे, जिसमें इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। इस बल में 50-50 के चरण में भर्ती की जाएगी। जवानों को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG से प्रशिक्षण हासिल होगा। हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। Under-19 क्रिकेट एशिया कप का विजेता भारत बन चुका है। भारत ने श्रीलंका को फाइनल में 144 रनों से हराकर Under-19 क्रिकेट एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। यह भारत का 6वां Under-19 क्रिकेट एशिया कप खिताब है। इससे पहले भारत ने 1989, 2003,
2012, 2014 तथा 2016 में किताब जीता था। बालिकाओं की IBSF वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप 2018 को जीता है कीर्तना पांड्यन ने। कीर्तना पांड्यन भारतीय हैं। यह किताब फाइनल में बेलारूस को अल्बिना लेचुक को 3-1 से हराकर जीता गया है। पुरुष वर्ग में यह किताब बेल्जियम के बेन मार्टेंस ने जीता है। इसका आयोजन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था। भारत और ताजिकिस्तान के मध्य 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। भारत ने ताजिकिस्तान को विकास सहायता परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर अनुदान देने की घोषणा की है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान हैं। ताजिकिस्तान के प्रधानमंत्री कोहिर रसूलोजाड़ा हैं। भारत के अर्धसैनिक बल रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 5 नई बटालियनों के गठन की घोषणा की गई है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान, मंगलौर कर्नाटका, हाजीपुर बिहार, नूह हरियाणा में इन नए 5 बटालियनों की स्थापना की जाएगी। पहले से स्थापित 10 RAF बटालियनों के बेस हैदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, अलीगढ़, कोयम्बटूर, जमशेदपुर, भोपाल और मेरठ में है। RAF का गठन और उसका संचालन अक्टूबर 1992 में शुरू हुआ था। इसके गठन का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में दंगों को रोकना या भीड़ को काबू करने के लिए कम से कम समय में उस स्थान पर पहुंचना और जल्द से जल्द कार्रवाई करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने 9 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश में 1,224 करोड़ रुपए की लागत वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH कार्यों के चौड़ीकरण एवं बेहतरीकरण की आधारशिला रखी है। ओके गाइज, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। गुड लक।